हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम इन्फिनिक्स नोट 11 वर्सेस इन्फिनिक्स हॉट 11 एस के बीच में फ्री फायर का डिटेल कंपैरिजन करेंगे। टच रिस्पॉन्स है, स्मूथनेस, ब्राइटनेस है, एफपीएस, सेंसिटिविटी, यानी कि फ्री फायर प्ले करके आपको दिखाएंगे कि इसमें कैसा परफॉर्मेंस देता है, आपको सारी जानकारी देंगे। यहाँ पे गाइस दोनों ही 4GB 64GB वाला वेरियंट है हमारे पास। एंड गाइस यहाँ पे 5000mAh की बैटरी दोनों में ही देखने को मिल जाती है। दोनों में ही गाइस डुअल स्पीकर भी देखने को मिल जाता है। तो दोनों फोन्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, बिकॉज ऑफ प्रोसेसर भी दोनों में काफ़ी ज़्यादा इक्वल, यानी कि बिल्कुल इक्वल G88 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो गाइस देखते रहिए वीडियो को एंड तक। एंड गाइस यहाँ पे इसका स्पीड टेस्ट भी हमने कर दिया है, तो वो वीडियो भी आप जाके ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। इन्फिनिक्स नोट 11 का वॉइस चेंजर भी कर दिया है, फ्री फायर भी टेस्ट कर दिया है बैटरी रन के साथ, तो वो सारी वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। ये वीडियो को देखते रहिए एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ब्राइटनेस को कंपेयर करके दिखा देता हूँ, बिकॉज गाइस LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है हमें हॉट 11 एस में। एंड गाइस नोट 11 में एमोलेड का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, तो दोनों की ब्राइटनेस हमने फुल कर दी। तो गाइस यहाँ पे एमोलेड जो देखने को मिलता है नोट 11 में, ये गाइस आपको ब्राइट देखने को मिल जाता है, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइटनेस प्रोवाइड कर सकते हैं LCD के कंपेयर में। तो ऐसा कुछ रहता है, मतलब 750 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है नोट 11 में एंड 500 के अप्रॉक्स हॉट 11 एस में। तो हॉट 11 एस में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको नोट 11 में थोड़ा बेटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस DPI की बात करें तो दोनों में ही आपको 360 का DPI देखने को मिल जाता है, इक्वल सा गाइस, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर देखने को मिल जाएंगे आपको। एंड गाइस यहाँ से हम सिंपली एक साथ फ्री फायर को ओपन करते हैं। एंड गाइस ये देखने के लिए कि कौन जीतता है, ये वीडियो आप जाके जरूर से चेकआउट कीजिए, ये हमने अपलोड कर दिया है। एंड गाइस यहाँ पे आ चुके हैं हम सिंपली फ्री फायर में, तो यहाँ पे सबसे पहले हॉट 11 एस में प्ले करते हैं। एंड यहाँ पे सेटिंग्स सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। एंड गाइस देखिए गेम को एंड तक। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। Hey. First blood. First blood. Double kill. Double kill. First blood.
सो गाइस मैं प्रो प्लेयर हूँ नहीं एंड गाइस ठीक ठाक प्ले कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो कोई भी लैग वैग देखने को नहीं मिलता है इसमें गाइस, काफ़ी मस्त सेंसिटिविटी देखने को मिल जाता है एंड स्क्रीन रिकॉर्ड के साथ भी अच्छा परफॉर्म दे देता है। एंड गाइस यहाँ पे अब हम प्ले करते हैं नोट 11 में एंड गाइस यहाँ पे देखते हैं कैसा क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करते हैं एंड गाइस यहाँ पे भी मैं आपको सेटिंग में ले चल कर दिखा दूँ, सभी सेटिंग्स को हमने हाई पे कर दिया। अब गाइस आप देखिए गेम को एंड तक एंड हम आपसे बताते हैं कि कैसा परफॉर्म दिया, कैसा परफॉर्मेंस किया। सो गाइस यहाँ पे बात करें कि नोट 11 और हॉट 11 एस के बीच में फ्री फायर में स्पेशली क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, तो वो गाइस है फ्रेम ड्रॉप्स का। गाइस यहाँ पे सेंसिटिविटी की बात करें तो दोनों में ही सेंसिटिविटी काफ़ी इक्वल सा देखने को मिल जाती है। FPS जो देखने को मिलता है उसमें कमी देखने को मिलती है, बाकी टच रिस्पॉन्स देख ले, सेंसिटिविटी देख ले, स्मूथनेस देख ले, तो वो सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। लेकिन गाइस यहाँ पे आपको FPS में इन्फिनिक्स नोट 11 थोड़ा सा पीछे लगता है। गाइस यहाँ पे 60 FPS दोनों ही प्रोवाइड नहीं करते हैं, 40 FPS के अराउंड रहते हैं दोनों ही फोन्स, बट गाइस 40 FPS कॉन्स्टेंट हॉट 11 एस प्रोवाइड कर देता है, लेकिन इन्फिनिक्स नोट 11 है वो थोड़ा ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, लगभग 30 के आसपास चला जाता है, जिसके वजह से पता चल जाता है क्लियरली, तो ऐसा कुछ रहता है। बाकी दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी इक्वल सी लगी, मुझे हॉट 11 एस थोड़ा सा बेटर लगा। तो गाइस यहाँ पर अगर आपका बजट है 10,000 के अराउंड तो मैं हॉट 11 एस आपको कहूँगा कि ले लीजिए, सबसे बेस्ट ऑफर देखने को मिल जाता है, तो आप हॉट 11 एस चूज़ कर सकते हैं। भाई गाइस आपके पास पैसा ज़्यादा है तो ले सकते हैं नोट 11, इसके बदले माइक्रोमैक्स इन नोट 2 भी ले सकते हैं, और माइक्रोमैक्स इन नोट 2 का भी वीडियो जल्दी आपको सारी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्त फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़रूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय।